चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत और प्रधानमंत्री के बारे में मालदीव के मंत्रियों की विवादित टिप्पणी और फिर मालदीव के तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिए जाने के बाद लक्षद्वीप चर्चा में है और हर तरफ चर्चा ही चर्चा है। आजकल देश में लक्षद्वीप का ही जादू छाया हुआ है, हर तरफ लक्षद्वीप की चर्चा है और अब हर कोई लक्षद्वीप जाना चाहता है। ये सब हुआ है पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद। प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए 2 से 3 जनवरी को लक्षद्वीप में थे। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाया और तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट की। पीएम ने लिखा था, जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में जरूर होना चाहिए। पीएम मोदी की पोस्ट से मानो मालदीव को मिर्ची लग गई। इसके बाद पीएम मोदी और भारत को लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने विवादित टिप्पणी कर डाली, लेकिन चंद घंटों में ही मालदीव को घुटने पर आना पड़ा और पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने वाले तीनों ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत की दो टूक के बाद मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने अपने देश में मंत्रियों की तरफ से इस पूरे विवाद पर माफी भी मांगी और प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर बताया। इस पूरे घटनाक्रम पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, एक दिन वो था जब भारत को कोई भी विदेशी सरकारें भला बुरा कहकर संबोधित कर देती थी। ये नया भारत है, यहाँ देश को तो छोड़ ही दीजिए, प्रधान सेवक पर की गई टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, करारा जवाब मिलेगा। मालदीव की हुकूमत को समझ आ ही गया होगा। मालदीव के मंत्रियों की विवादित टिप्पणी के बाद भारत के आम लोग ही नहीं, सेलिब्रिटीज भी गुस्से में है। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप गए प्रधानमंत्री की तारीफ। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मालदीव में भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं, ऐसे में मालदीव की मंत्री को गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करते हुए अतिथि देवो भव लिखा। इस पूरे विवाद में जहाँ भारत की शक्ति का एहसास हुआ, वही लक्षद्वीप यकायक देश ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया। अब सोशल मीडिया में लक्षद्वीप जाने को लेकर तमाम पोस्ट की जाने लगी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों में लक्षद्वीप जाने की होड़ लग गई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो मोदी से आखिर मालदीव क्यों डर गया? मालदीव की अर्थव्यवस्था जो है वो टूरिज्म यानी पर्यटन पर ही टिकी हुई है और मालदीव में पर्यटन का एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक लोग रोजगार पाते हैं और इनमें से अधिकतर होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नौकरी करते हैं। मतलब कि कुल रोजगार में पर्यटन का योगदान करीब 70% तक है और मालदीव में सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से ही जाते हैं। यानी कि भारत के पर्यटक जाना अगर बंद कर दिए तो मालदीव की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ये जानिए कि मालदीव में कितने पर्यटक हर साल जाते हैं और उनमें कितने भारतीय होते हैं। तो साल 2023 का आंकड़ा है कि इस दौरान तकरीबन 17,58,000 विदेशी पर्यटक मालदीव पहुंचे थे, जिनमें सबसे ज्यादा भारत के पर्यटक थे। दूसरे नंबर पर रूसी पर्यटक थे और 2023 में मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या तकरीबन 20 लाख से ज्यादा थी, जो मालदीव आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या का तकरीबन 11.1% है। तो 2023 में 13 दिसंबर तक पहुंचने वाले मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों के मामले में रूस दूसरे नंबर पर था। यहां के 2,09,146 रूसी पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। तीसरे नंबर पर चीन था, जिसके 1,87,118 पर्यटकों ने मालदीव का भ्रमण किया। 2022 की अगर बात करें तो भारत इस मामले में नंबर एक पर ही था। यानी कि भारत से पहुंचे पर्यटक मालदीव की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं और पर्यटकों के अलावा मालदीव और भी कई मामले में भारत पर निर्भर है। जैसे कि मालदीव अपनी सुरक्षा को लेकर, खाने पीने को लेकर, इलाज को लेकर, दूसरी सभी जरूरतों के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। चूंकि मालदीव द्विपक्षीय देश है, ऐसे में वहां के लोगों के लिए सी फूड को छोड़कर किसी सभी प्रकार के अनाज, मसाले या फिर दूसरे खाने की चीजें भारत से जाती हैं।
तो मालदीव के लोग इलाज के लिए हर साल बड़ी संख्या में भारत का रुख करते हैं। लेकिन भारत के खिलाफ मालदीव के 3 मंत्रियों ने जो विवादित टिप्पणी की, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इन मंत्रियों ने विवादित टिप्पणी की थी, और इसके बाद सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। काफी लोगों ने मालदीव जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, और यही वजह है कि मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया है।